फिर भी कुछ भी बोल देते हैं वो लोग, वो लोग नहीं शर्माते हैं, वो खुद ही बोलती है कि हम लोग पागल लोग हैं। Yes, guess we are married in love. Yes, we are married in love and now happily married. हेलो गाइस, आप सभी को स्वागत है हमारे इस छोटे से ब्लॉग में। गाइस, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत मस्त होंगे और हम लोग भी मस्त हैं। गाइस, तो आज हम लोग घर में ऐसे ही फ्री थे, तो हम लोग बैठे हैं ऐसे, करे तो क्या करे सोच रहे हैं, तो सोचे हम लोग चलो कुछ कुछ पुराने फोटोज वीडियोस देखेंगे एंड अपना मेमोरी ताजा करेंगे। हाँ, तो हाँ, आजकल जैसे शादी में सब लोग फोटोज वीडियोस उठाते हैं, हमारे टाइम में भी हुआ था लेकिन थोड़ा सिंपल वे में था। तो हम लोग भी कुछ कुछ फोटोज वीडियोस उठाए थे, वीडियोस बनाए थे एंड सोचे नहीं थे कि ऐसे कुछ बनेगा, लेकिन हाँ जैसे तैसे हम लोग बना दिए थे, थोड़ा सा अच्छा बना था। तो सोचे चलिए आप लोग के साथ भी हम लोग शेयर करते हैं, तो देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखना चाहेंगे कि हम लोग का कैसे कुछ शूट हुआ था। तो हम लोग ब्लॉगिंग पहले भी स्टार्ट हो गया था लेकिन हम लोग कुछ नहीं बोलते थे। हम लोग कुछ नहीं बोलते थे, और कोई बोलता था तो दिखाते हैं, दिखाते हैं कैसे कुछ है, और हंसी लगा था हम लोग उसको देख के, तो सोचे आप लोग के साथ उसको भी शेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारे कान ये जाकर शूटिंग सिरालक और ओके हमारे हीरोइन तो हिट में उतर, ये गाइस ये है संजय बारा, हमारे संजय बारा शादी का शूटिंग किया था, ये पीछे वाला है सुमित, तो ये लोग हम लोग का वीडियोस बनाए थे। एंड ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, बोल रहा है कि इसको मतलब चलने नहीं आ रहा है बोल के बोल रहा है। हां, टू बी वाइफ लाइक वाला है, पहले ये कि उसको बोलने भी नहीं आ रहा है लेकिन लेकिन हां गाइस, खुद का गलती कोई देखता नहीं है। उसको भी बोलने नहीं आ रहा था पर वो हम लोग को बोल रहा था, पर कोई बात, लेकिन सच मुझे इसको चलना नहीं आ रहा था। ओके, ये जस्ट फन। एंड गाइस, आप लोग देख सकते हो इस वीडियो में हम लोग कितना शर्मा रहे हैं कैमरा फेस करने में, तो यही होता था पहले। टू बी हस्बैंड टू बी वाइफ लाइक वाला है, पहले ये झगड़ा किसने ऊपर प्रैक्टिस कर रहा था, ये बोल रहा है कि हम लोग झगड़ा कैसे कर रहे हैं, मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं शादी से पहले, झगड़ा होना जरूरी है ना। तो ऐसे ही कुछ हमारा प्री वेडिंग शूट हुआ था। एंड गाइस देखिए ना, प्री वेडिंग शूट में कितना अच्छे अच्छे सब लोग ड्रेस, प्री वेडिंग शूट में हम लोग का झगड़ा शुरू हो गया था। हाँ, और एक देखिए ना कि प्री वेडिंग, आजकल के प्री वेडिंग शूट में सब लोग कितना सुंदर से ड्रेसअप होके जाते हैं, अच्छे अच्छे फोटोज उठाते हैं, और हम लोग का प्री वेडिंग शूट में ये पहना था हाफ पैंट और हम पहने थे घर का ड्रेस। हाँ, नहीं नहीं, घर का ड्रेस नहीं था, सूट ही था ड्रेस। तो गैस क्या करें, हम लोग गरीब आदमी हैं, इसलिए ऐसे ही चल गए थे उठ के। तो लेकिन हाँ, मतलब ड्रेस मैटर नहीं करता है, सबसे मेन मैटर करता है खुशी, तो वो चीज करने में हमें ज्यादा खुशी लगा, तो हम लोग जस्ट जो हम लोग जो हैं, जो सिंपल हैं, वैसे ही हम लोग किए थे। तो हाँ, यही था छोटा सा ब्लॉग, वो संजय बारा बनाया था, तो हम लोग देखिए अच्छा लगा इसलिए आप लोग के साथ शेयर किया। तो गैस अभी हम लोग चलिए देखते हैं हम लोग का प्री वेडिंग का रिजल्ट, रिजल्ट कैसे आया था। तो हमारा प्री वेडिंग वीडियो स्टार्ट होता है मेरे तीन दोस्तों के साथ, तो चलिए सुनते हैं वो लोग क्या बोलते हैं। दोनों फ्रेंड्स जैसे रहते थे, बहुत ही क्लोज, ऐसे नहीं लगते थे कि वो दोनों कपल हैं बोल के। ओ ऐसे क्या। तो इतना दिन तक तो मैं वो लोग को थैंक यू नहीं बोली थी, तो अभी मैं बोल देती हूँ थैंक यू सो मच। क्यों? मेरे लिए इतना अच्छा अच्छा वर्ड्स बोले बोल के, मेरे लिए नहीं, हम दोनों के लिए बोलता थैंक यू अनु, अंजनी और ऐश्वर्या। ये तीनों बंदर थे या फिर? नहीं नहीं, नहीं, बता ये तीनों कौन था एक्चुअली में। ये तीनों एक्चुअली में मेरे साथ दहेज में आए थे, ये लेके आए थे तीनों को दहेज में। तो ये जो क्लिप था या मेरा घर का था, हम लोग का घर का था। तो ठीक है, आगे देखते हैं। बेस लगेल हाथ धरे चाले के मेरा। हाँ गैस, तो ये वाला गाना यहाँ पे अभी चलने वाला है एंड मैं इसका हाथ पकड़ के ले रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, लेफ्ट कभी लेफ्ट से कभी राइट से कभी ऊपर से कभी इधर उधर से कहीं से भी, तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ से घुमाया। ओके, हंसो पूरा हंस के पूरा इसका आर्टिस्ट दांत दिखे। तो गाइस ये कुछ था हमारा प्री वेडिंग का फोटो शूट का। क्या कर रहे हैं हम? दांत
अभी जो आप लोग देखे इसे दांत में ऐसे रखे थे, तो उससे पहले मटन खाए थे तो उसका निकल रही थी। फिर इतना ऐसे दांत निकला, गुस्सा हो के मैं देखो इसको कैसे घुमाया हूँ अभी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे क्यों घुमा रहे हैं, तो ये गुस्सा हो गया, ये मतलब फोटो उठा रहे हैं, ये दांत से यहाँ से गोश निकल रहे थे। मैं गुस्सा होके इसको ऐसे घुमाया फिर मत गई, तो अभी देख सकते हो इसको मत गई, तो मैं थोड़ा सा पकड़ा हूँ, लेकिन हाँ अच्छा लग रहा है यहाँ का लोकेशन। जैसे आप लोग देख सकते हैं इसको हम लोग खुद बनाए हैं। झूठ है। हाँ तो लेकिन हाँ ये जो पीछे तरफ आप लोग देख रहे हैं, ये हम लोग का खुद का था फॉर्म, ये लोकेशन अच्छा लग रहा था। ये लोकेशन बहुत अच्छा लगता है, और नदी किनारे का नदी किनारे वाला जगह है। तो आगे देखते हैं। हाथ धरे कितना लंबा था ट्रांजिशन, देखे ना वहां से यहाँ पहुंच गए। क्रिएटिविटी। तो मैं पूछना चाहती हूँ, ऐसे हाथ पकड़ के मेरे को देख देख के जा रहे थे, तो क्या सोच रहे थे आप? बेस लगे हाथ धरे चलक बेरा, तो इतना हाँ, ही सोच रहे थे। हाँ, इतना ही सोच रहा था कि उससे और आगे क्या आएगा, बस इतना ही आ रहा था मेरा मन में कि अच्छा लगता है तुम्हारा हाथ पकड़ के चलने के। तो ही सोच रहा हूँ मतलब कितना अच्छा लग रहा है, तो देख सकते हो मेरा एक्सप्रेशन से पता चल रहा होगा कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है दिव्या का हाथ पकड़ के चलने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे हमेशा जिंदगी भर ऐसे हाथ पकड़ के चलना चाहूंगा। ये चीज नहीं करूंगा कभी नहीं। क्या बोल बोल के हंस आए थे, मैं बताऊंगी तो फिर क्या बता, बता, बता। तो यहाँ पर मुझे बोल रहे थे देख उधर दूर में कोई बैठा है, ऐसे करके कौन बैठा है, लोटा पकड़ के बैठा है, लोटा पकड़ के कोई बैठा है बोल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को हंसने वाला एक्सप्रेशन चाहिए था, लेकिन हंस नहीं रहे थे क्योंकि खुद का शादी हो रहा है, और हंसोगे नहीं तो कैसे होगा, तो यही हंसना पड़ता है। तो देखोगे अभी इसका कितना हंसी निकलेगा, कैमरा में देख रहे फोन वाला प्यार। तो हाँ ये फोन में क्या बात कर रहे थे बताओ कुछ। ये फोन में मैं बोल रही थी कि मैं आ रही हूँ रुको तुम वहीं पर, ऐसे बोली थी मैं, तो फिर ये यहाँ रुका था। हाँ तो वैसे मैं रुका था आई लव रॉयल किला जो क्रॉस रोड मॉल, यहाँ रुका था, फिर देखते हैं वहाँ क्या हुआ, चलिए आप लोगों को दिखा दें। ओ भाई घुटना मार के प्रपोज किया भाई। मैं भी सीखा हूँ गैस, मैं भी मूवीज देखता हूँ, तो बनता है घुटना मार के दुनिया वालों के सामने। और घुटना मार के प्रपोज करने से क्या ना नहीं बोलते हैं। तो देखना अभी यहाँ का ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन मुझे सबसे बेस्ट लगता है, वहां से उठाया फिर यहाँ पर। तो ये चीज हम लोग का हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए दिल में मन में रह गया जो ट्रांजिशन हुआ, मतलब वहां से प्रपोज किया फिर डायरेक्ट चर्च में आए। एंड ऑल थैंक्स टू संजय ये सोचा बोल के। ठीक है कंटिन्यू। यहाँ मैं बोला जल्दी आ जाओ नहीं तो मैं भाग जाऊंगा, आना आ सक रहे हो तो छत से ऊपर से देख के ही आ जाओ बोला। तो रुको रुको मैं सीढ़ी से आती हूँ बोली। अब क्या बोलोगे मुझे? ऐसे हम लोग निकल के चले गए। जस्ट मैरिड।
फाइनली हम लोग जस्ट मैरिड हो जाते हैं। यहाँ पर क्या हुआ था बता दो। तो यहाँ पे हम लोग का ये हुआ यह था कि हमेशा लड़का लड़की को लेके भागा लेके जाती है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, लड़की लड़का को लेके जा रही है। मैं गाड़ी चलाई थी और भागी भी थी, मुझे छोड़ के नहीं आपको बैठा के। मैरिड, लेकिन हम लोग का बहुत दिन हो गया शादी का, लेकिन अभी तक जस्ट मैरिड हैं। जस्ट मैरिड हैं। फिर से हम लोग आ जाते हैं शादी के बाद नदी, वही पहले वाला जहाँ पे हम लोग फोटो उठाए थे, वहीं पे फिर से शादी के बाद घूमने आ जाते हैं। तो याद करने के लिए गाइस, क्योंकि हाँ आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोग को ज्यादा खुशी लगता है वहाँ पे जाके बार बार जा सकते हो, फिर भी आप लोग का मन नहीं भरेगा, तो वही हम लोग कर रहे हैं। तो यही वो जगह है, मतलब जैसे आप लोग देखे स्टार्टिंग में वो लोकेशन, ये आमघाट पानी टंकी पंप हाउस, तो वहाँ बहुत सुंदर दिख रहा था। उस समय बारिश का दिन था, हम लोग जब गए थे शूट करने, बहुत सुंदर दिख रहा था। देख सकते हैं मैं आ गया हूँ अपना बाइक पकड़ के और हाफ पैंट पहन के, और ये घर में काम कर रही थी, पोछा मार रही थी, उसको ऐसे ही उठा के लेके गए थे, तो वही वाला ड्रेस में आ गए थे। तो गाइस देख सकते हैं हम लोग का प्री वेडिंग ऐसे कुछ है। देख रहा मेरा हंसी फिर उतना हो जाता है, उसके बाद तो नैना जब से इशारा कर दिलक रहे तब से ये मेरा सर से ये निकल रहे हैं, क्या बोलते हैं, जुई। हाँ वो निकल रहे तो देखते हैं कैसे निकलते हैं, मतलब ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, एक हाथ में भी निकल रहे निकल रहे देख निकल रहे फिर अच्छा वाला नहीं खा दी। कचरा है फिर भी देखो कितना अच्छा दिख रहा है, वो ग्रीन ग्रीन। दिल तोर नाम कर दे लो उस जने, दिल तोर नाम कर दे लो। हम एक्सपेक्ट नहीं की थी ये आएगी बोल के, ये तो कंफर्म था। और अनु क्या हो रही थी, मेरे दोस्त छुप के बैठी थी, देखो वो आने वाले थी पर वो नहीं है, वो बता देती क्या हो रही है। फिर गैस मैं सोचा कि इसको कुछ सरप्राइज दूंगा, तो इसको मैं लेके गया कहीं लॉन्ग ड्राइव पे बहुत दूर, फिर देखते हैं वहां पे क्या क्या सरप्राइज है। मैं दिखाता हूँ तुझे, रुक रुक। तो मैं यहाँ बोला कि चलिए रुक, चल बाहर निकल, चल बाहर निकल, 500 निकाल ले, 500 निकाल, फिर 500 रुपया लूंगा, लेकिन ऐसे बोला था इसको दिखाने के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या दिखाया मैं इसको। दिल तोरे नाम कर दे लो ए सजनी, दिल तोरे नाम कर दे लो। शाहरुख खान, ओ माय गॉड। दिल तोरे नाम कर दे लो ए सजनी, दिल तोरे नाम कर दे
हम लोग भी सामने रहते हैं फिर भी कुछ भी बोल देते हैं, वो लोग नहीं शर्माते हैं, वो खुद ही बोलती है कि हम लोग पागल लोग हैं। Yes, guess we are mad in love. Yes, we are mad in love and now happily married. तो हाँ, आप लोग देखिए अभी कैसे मैं सरप्राइज दिया। मतलब सरप्राइज जरूरी नहीं है कि बड़ा बड़ा कुछ कुछ सरप्राइज, मतलब छोटे छोटे मतलब खुशी, जो खुशी एक दूसरे को देते हैं वही चीज बहुत बड़ा होता है। तो हाँ, कोई भी पूछते हैं कि शादी जीवन में खुशी रहने का कुछ टिप्स दो, तो क्या टिप्स देना चाहोगे? टिप्स यही है, शादी जीवन में खुश रहने का ऐसा कोई स्पेसिफिक टिप्स नहीं है, बस ये होता है कि एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और हम लोग को पूछते हैं कि टिप्स कुछ दो कि हम लोग कैसे खुश रहे, तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग क्या टिप्स दें, हम लोग को तो हम लोग खुद नहीं आता है कि हम क्या टिप्स दें। लेकिन हाँ, आप लोगों को लगता है कि आप लोग अच्छे रहते हो, खुशी से रहते हो, तो पता नहीं, पर हाँ खुशी तो रहते हैं एंड खुशी रहना भी चाहिए एंड एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना चाहिए। एंड जैसे कि कुछ भी अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते ही रहता है, तो आते ही रहता है, लेकिन उसको मिल बांट के सॉल्व करना चाहिए। और ऐसे ही हम लोग रहते हैं और ऐसे ही हंसते खेलते रहते हैं। अभी तो बच्चे हो और हंसते खेलते रहोगे, झगड़ा भी होते हैं गाइस, ऐसे नहीं है कि झगड़ा नहीं होता है। और हम लोग की तरफ से और क्या टिप्स देंगे? हाँ, बस इतना देना चाहेंगे कि अच्छा से मिलजुल के रहें और खुल कीजिए, अपने लाइफ को खुल कीजिए जितना हो सके ना। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग भी इतना, मतलब ऐसे नहीं, आप लोग जैसे देखते होंगे कि इतना कितना अच्छे से रहते हैं, तो पता नहीं ऐसे ही रहते हैं हम लोग, शायद इसी में खुशी है। हाँ, इसी में खुश है। भले भले लड़ाई होता है कभी कभी, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि, जैसे बोला जाता है ना कि लड़ाई करो लेकिन दूसरा दिन तक उसको लेके मत जाओ, रात होता है तो उसको खत्म कर दो, तो वही है। फिर हमेशा लॉयलिटी भी एक चीज होता है, चाहे दूर हो लेकिन लॉयल रहो, एक दूसरे का साथ निभाओ। एंड स्पेशली ऐसे होना चाहिए कि दोस्त जैसा रहना चाहिए, ताकि मतलब अपने हस्बैंड को कुछ बोलने के लिए, कुछ भी बोलने के लिए ना झिझको, कुछ भी बोल दो, मतलब चाहे वो अब गलती भी किए रहो लेकिन बोलो उनको कि हाँ मेरे से ये हो गया, तो वो समझेंगे ही, ऐसा नहीं है कि नहीं समझेंगे। और दूसरा तो है। फिर और दूसरा टिप्स यही कि आप लोग हम लोग का वीडियोस देखते रहो तो ऐसे ही खुश रहोगे, खुश रहो तो आप लोग भी ऐसे खुश रहो और हम लोग जैसे, एंड आप लोग ही वीडियोस बनाओ ताकि हम लोग देखे, आप लोग को देख के खुश रहे। तो हो गया, आज हम लोग का टाइम पास भी हो गया, आप लोग का भी शायद हो गया होगा, और नहीं हुआ हो, अगर नहीं हुआ है टाइम पास तो फिर नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें टाइम पास करवाएंगे। yes. तो हम लोग का भी लंच टाइम हो गया, तो जाते हैं खाना खाने। ओके गाइस, हम लोग का बकवास आप लोग अगर इतना तक सुन चुके हैं तो आप लोग भी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।